ये कोविड की जो सेल्फ किट है उसके अंदर क्या करना है, ये हमने सैंपल लिया था इसके अंदर। स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा ऊपर है। मेरे को रिसेंटली अभी पता चला कि वन ऑफ माय फ्रेंड जिसके साथ मैं संडे को गुड़गांव क्रिकेट खेलने गया था, ही हैज बीन टेस्ट कोविड पॉजिटिव। सो यू नो, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि मेरा भी जो गला था वो थोड़ा सा मतलब है, कोल्ड कफ है, मेरे को कोल्ड और कफ थोड़ा सा है, और इट्स बीन लाइक 3 to 4 days नाउ। और मैं चाहता था कि मैं भी घर पे एक टेस्ट करके चेक करूं कि मेरे को कोविड है कि नहीं है, और आजकल तो घर पे ही पता चल जाता है। तो पहले अपने आप को, सबसे पहले जैसे ही मुझे पता चला दैट ही इज कोविड पॉजिटिव, मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने सबसे पहले अपने लिए एक कोविड टेस्ट की जो किट होती है वो फटाफट मैंने केमिस्ट को बोला कि प्लीज एक घर के बाहर छोड़ कर जाओ, मैं कलेक्ट कर लूंगा। तो उसके बाद मेरे को ये एक देखे गए हैं, ये है बेसिकली माई लैब की तरफ से कोवी सेल्फ, दिस इज फॉर कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये है, देख लो आप अच्छी तरह से, कैमरे में आ रही होगी, ये देखो। तो ये बेसिकली मैंने मंगवाई है मार्केट से, और इसको खोल के मैंने सबसे पहले बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर एक है मैनुअल, आपकी गाइड, जिसको आप पढ़ के अपना कोविड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। एक है आपके पास ये स्पीसिमन कलेक्शन स्वैब, जिसके अंदर आप अपना जिसको अपना नोज के अंदर आप इंसर्ट करोगे, और उसके बाद आप जो सोल्यूशन है उसके अंदर डाल के चेक करोगे कि आप कोविड पॉजिटिव हो या नहीं हो। साथ ही साथ उन्होंने दिए है ये वाली एक किट, जिसके जैसे सेम एज लाइक यू नो व्हेन यू चेक प्रेगनेंसी, उसके उस तरह की ही होती है ये, ठीक है। और ये है वो लिक्विड वाली डिब्बी, एयर एयर पैक, एयर सील्ड है ये, अभी जब इसको एयर टाइट है तो मैं साथ के साथ उसको रखी भी जा रहा हूँ। देखो थोड़ा गले में है अभी खराश, मगर ऐसा मेरे को लग नहीं रहा कि आई एम कोविड पॉजिटिव, बट स्टिल गले में जो खराश आ रही है उससे थोड़ा सा मेरे को शक सा हो रहा है, तो मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। तो ये मैंने निकाली है, आपको उसको ध्यान से देखो, इसके अंदर एक लिक्विड है, तो इस लिक्विड के अंदर हम जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो इसके अंदर हमें डिजोल्व करके चेक करना है कि वेदर यू नो वी आर कोविड पॉजिटिव और नॉट। तो सबसे पहले कोविड टेस्ट को चेक करने के लिए जो सेल्फ किट है जो इन्होंने दी है, सबसे पहले मैं इसको खोलता हूं, और खोलने के बाद इसके अंदर से ये जो चेक करने वाली किट है ये निकाल रहा हूं। ये इट इज लाइक द सेम किट विच वी यूज फॉर प्रेगनेंसी, ऐसी ही होती है वो भी, तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है यूज करना, ठीक है, बहुत इजी है। और जिसको नहीं आता वो देख लो कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, और रिजल्ट्स तो पता चल ही जाएंगे 10 से 15 मिनट में। तो सबसे पहले जो ये कोविड टेस्ट करने वाला है, पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना, ठीक है। उसको सुखाने के बाद इसको खोला, और इसमें से ये जो टेस्ट की कलेक्शन वाली जो ये है स्ट्रिप, इसको निकालना है। मैं साथ के साथ कर रहा हूं क्योंकि मेरा कोई फोन पकड़ के वीडियो नहीं बना रहा, तो मैं अपने आप ही बना रहा हूं, तो जैसे बन पा रही है मैं, आप देख लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस जो ये जो टेस्ट वाली जो ये है स्वैब कलेक्शन वाली, इसको अपने नोज में इंसर्ट करना है। तो फाइनली आंखों के अंदर देखो कितना पानी आ गया, तो फाइनली आंखों के अंदर कितना पानी आ गया ये आप देख सकते हो। उसके बाद कुछ नहीं करना, ये जो टेस्ट वाला जो किट है इसको इसको ओपन करके इसके अंदर ये अच्छी तरह से इसको मिक्स करिए, और इसी के साथ अच्छी तरह से जब ये डिजोल्व हो जाए इसके अंदर, मतलब जो आपके नाक के अंदर जो भी आपका इसके अंदर जो सैंपल लेते हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए, उसके बाद इसको ऐसे घुमा के तोड़ के इसको बंद कर दीजिए। तो इट वुड बी लाइक दिस, ये बंद हो चुकी है, ठीक है, और ये हमारी अब यूजलेस है, ठीक है। इसमें हमारा जो सैंपल है वो ऑलरेडी जा चुका है। अब क्या करना है, इस सैंपल को अच्छी तरह से 5 मिनट मिक्स होने देंगे। ये कोविड की जो सेल्फ किट है उसके अंदर क्या करना है, ये हमने सैंपल लिया था इसके अंदर, तो अब सैंपल के 2 ड्रॉप्स जो है वो हमें इसके अंदर डालने हैं जो कोविड की सेल्फ किट है।
और ये जो एरिया दे रखा है यहां पे डालने हैं। थैंकफुली अभी तक एक ही लाइन है और कहते हैं कि 15 मिनट्स तक वेट करना है, सो लेट्स वेट फॉर 15 मिनट्स एंड सी यू नो ये लाइन एक से दो होती हैं कि नहीं होती हैं। कोल्ड है मेरे को और हल्का सा बॉडी पेन भी है, बट आई थिंक वो वेदर की वजह से भी हो सकता है क्योंकि आजकल वेदर जो है वो चेंज हो रहा है। तो जब तक कोविड का टेस्ट का पता चल रहा है तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर आके वीडियो ही बना लूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ, दोस्त का मेरे को कॉल आया कि मैं गुड़गांव गया हुआ था क्रिकेट मैच खेलने के लिए और मेरे को फ़ोन आया, वो कहता कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, मेरे को फीवर भी हुआ है, मेरे को कोल्ड भी हुआ था, सोर थ्रोट था मेरा, मेरे गले में पेन थी। मैंने कहा भाई गला तो मेरा भी ख़राब हो रहा है तो शायद मेरे को भी हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका मेरे को श्योरिटी नहीं थी। बुलेट का अलग ही मजा चलाने का। तो मैंने कहा भाई देख अब तू एक आधा दिन रुक और अपना ना जो उसने जो दूसरा टेस्ट कराया, जो लैब के अंदर जाके टेस्ट कराया उसने, एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज़ कोविड पॉजिटिव। अब वो कोविड पॉजिटिव आया तो भाई मेरे को तो दिक्कत हो गई। मैंने कहा भाई अगर मैं कोविड पॉजिटिव आ गया तो हमारे घर में तो बंदे भी बहुत सारे हैं, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैंने फटाफट अभी अपने यहाँ पे केमिस्ट को जाके बोला कि प्लीज़ मेरे को ना कोविड वाली जो सेल्फ किट होती है वो किट दे दो और मेरे को अपना टेस्ट करना है। अब मैं टेस्ट परफॉर्म करके आया हूँ अंदर आपके सामने अभी और देखते हैं उसका 15 मिनट के बाद क्या रिजल्ट आता है। मैंने जैसे ही मेरे को पता चल गया था कि यू नो माय फ्रेंड इज़ कोविड पॉजिटिव, ठीक है, जो उसने घर वाले जो अपना जो घर पे जैसे होम किट दी वाली होम किट लाके उसने भी किया था, ये घर पे अपनी होम किट लाके उसने भी किया था और जब उसने ये किट लाके किया था तो ही वॉज कोविड पॉजिटिव, तभी उसने लैब के अंदर भी एक बार टेस्ट कराया और लैब की रिपोर्ट है जो वो आ जाई है और अगेन ही इज़ कोविड पॉजिटिव। मगर उसने जो बेस्ट चीज़ करी वो ये करी कि हम सबको मैसेज पर बता दिया कि भाई मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, आप सारे मेरे से इंटरेक्ट हुए थे तो अपने आप को आइसोलेट कर लो। तो अब मैंने जब से ये मेरे को पता चला मैंने घर में अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सबसे कि अब ज़्यादा कोविड ना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से फैल रहा है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, टुडे 7th of January 2022, नए साल के अंदर मैं आपको ये वाली चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको पता चलता है कि आपका कोई भी बंदे के साथ इंटरेक्ट हुआ है, किसी भी इंसान के साथ इंटरेक्ट हुए हो जो कोविड पॉजिटिव था, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ प्लीज़ आइसोलेट योरसेल्फ। और अगर हम इस जंग से जीतना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये कोविड आगे ज़्यादा ना बढ़े तो प्लीज़ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह अपने आप को जल्दी से आइसोलेट करिए और जिस जिस से आप इंटरेक्ट कर रहे थे उन सबको बताइए कि हम इस बीमारी से जल्दी मतलब राहत पालें, इस बीमारी से जल्दी राहत पालें और यही एक तरीका है इससे बचने का। अपने अपने आप को सब क्वारंटीन कर लेंगे, सबने मेरे ख्याल से ऑलरेडी वैक्सीन्स ले ली हैं ऑलमोस्ट, अगर नहीं ली हैं तो भाई अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवाना, वैक्सीन इज़ यू नो एवरीथिंग, वैक्सीन इज एवरीथिंग। तो 15 मिनट हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ सी पे ही है, आप देख सकते हो सी पे ही है, टी पे नहीं आया। दैट मीन्स कोविड की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि मेरे को कोविड नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, सी इज कंट्रोल एंड टी इज टेस्ट। अगर ये सी के अंदर ये रेड लाइन नहीं आती तो दैट मीन्स जो ये कोविड किट का जो ये कोविड किट जो सैंपल किट है, जो कोविड की एक सैंपल वाली जो किट है, दैट इज फॉल्टी। अभी ये इसके अंदर एक लाइन आ गई थी तो इसका मतलब ये जो किट है वो वर्क कर रही है, मगर टी पे नहीं आया तो ना कोविड नहीं है मेरे को, आई एम कोविड नेगेटिव, कोविड पॉजिटिव नहीं है जो मेरे को लग रहा है। और जो कोल्ड और कफ जो मेरे को है माइनर सा, वो मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि जो वेदर चेंज है, स्टिल मैं अपने घर वालों को बचाने के लिए कि मेरे घर वालों को वो भी ना हो, मैंने ये डिस्पोजेबल मास्क यूज करा हुआ है और यही एक बेस्ट सोल्यूशन है। अपना डिस्पोजेबल मास्क पहन के रखिए और टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहिए जब तक आपका ये कोविड का, जब तक आपका ये कोल्ड और कफ ठीक नहीं होता। और अपनी मेडिसिन प्रॉपर लीजिए, स्टीम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, गर्म पानी मतलब ज्यादा गर्म नहीं, वार्म वाटर पीना है, सूप पियो, जो मर्जी करो बट अपना पूरा ध्यान रखो। अपना ध्यान रखोगे तो मौज है, नहीं तो फिर काम खराब है। तो बहुत बड़ा साई ऑफ रिलीफ है क्योंकि जो मेरी किट है उसके अंदर एक ही आया है, मेरा टी पे नहीं आया। दैट मीन्स मेरा जो कोविड का रिपोर्ट है वो कोविड की जो रिपोर्ट है वो मेरी नेगेटिव है। मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, अब मेरे को स्ट्रेस कम हो चुका है, मगर जो गले में पेन है और वो बॉडी एक है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर। ठीक है, जो ठीक हो जाएगा, मेडिसिन मैं टाइम पे ले रहा हूँ। जिन सब ने मेरे साथ इंटरेक्ट किया था वो भी एक
चैन की सांस ले सकते हैं अब तो ले ही सकते हैं। बाकी अब मेरे को नहीं पता ये कितना 100% सही होता है या नहीं होता, बट फिलहाल मैं बच गया। साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, और सिर्फ देख के मत जाना, चैनल भी सब्सक्राइब करना, बिकॉज मेरी आज से 10-15 दिन के अंदर मैं एक नई ट्रिप पे जा रहा हूँ, और नई ट्रिप पे जाऊंगा तो मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, और नई वीडियोस देखनी है तो प्लीज जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन जरूर दबाना। जल्दी से मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।